का एक मामला सामने आया है जहां जांजगीर चांपा जिले के फरार अपराधी को गरियाबंद पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए अपराधी को जांजगीर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा के थाना मुलमुला के एक अपराधी को जेल भेजा गया था। जेल में बंद अपराधी को उपचार के लिए जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया था, जहां अपराधी ने पुलिस सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर भाग गया, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा में समस्त पुलिस अधीक्षकों को फरार अपराधी को तलाश करने के लिए सूचना दी गई। इसी कड़ी में गरियाबंद पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टीम को निर्देशित किया। स्पेशल टीम प्रभारी के नेतृत्व में फरार अपराधी की तलाश में जुट गए और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति गरियाबंद बस स्टेशन के आसपास घूम रहा है। वहीं सूचना पर तत्काल स्पेशल टीम ने तस्दीक की और तस्दीक पर संदिग्ध व्यक्ति जांजगीर जिला जेल से फरार अपराधी दुर्गा प्रसाद साहू पर तुरंत जांजगीर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिस पर जांजगीर पुलिस टीम गरियाबंद आकर अपराधी को अपने सुपुर्द ले गए। धारा 376 का आरोपी जेल में निरुद्ध था और जो इलाज के दौरान हॉस्पिटल से फरार हो गया था, जिसका पता तलाश हेतु जांजगीर SP द्वारा हर जिलों में RM किया गया था। उसके आरोपी के पता तलाश के लिए हमारे गरियाबंद जिले के SP द्वारा स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसकी पता तलाश की जा रही थी, जिसे दिनांक 28 से 2022 को गरियाबंद में पकड़कर थाना लाया गया। और थाना लाने के बाद जांजगीर SP को सूचना दिया गया। वहाँ की टीम आने पर उसे सुपुर्द में दिया गया।